हेलो दोस्तों, साहिल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं एशिया के सबसे विशाल हनुमान मंदिर में, जो कि फ्लोर में स्थित है, ज़िला जलंधर पंजाब में। चलो आज आपको वहां के दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, इस मंदिर के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। बताइए पंडित जी। पहले तो आप आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी सभी कमेटी की तरफ से आपको स्वागत करते हैं। ये एशिया का विशाल संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर फिलोर में बना हुआ है, जो कि जालंधर से 40 किलोमीटर और लुधियाना से 10 किलोमीटर में यहाँ पर फिलोर एक स्थान आता है। यहाँ पर हनुमान जी का एशिया का विशाल संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर बना हुआ है और इनका विशेषता बहुत है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनने से पहले दशहरा लगता था, उसके बाद काफ़ी भक्तजन को इच्छुक हुई कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाया जाए, तो इसके नीचे अंजनी माता का गुफा भी बनी हुई है। उस गुफा के बीच में हनुमान जी का मूर्ति मिली थी, सो मूर्ति आप इनको दर्शन करवाते हैं। इन्हीं के प्रेरणा से इस मंदिर का शुरुआत किया गया था। सन 2000 में इस मंदिर का शुरुआत किया था और इस मूर्ति को बनाने के लिए उड़ीसा से कारीगर आए थे। ये देखिए, हनुमान जी की एक एक से प्रतिमा, एक एक से नस, एक एक से अंग अंग बनी हुई है और इस मूर्ति को बनाने के लिए 300 आदमी रोज इस मूर्ति में काम करते थे, तब जाकर 3 साल में जी 65 फुट ऊंची मूर्ति बन गई और इनकी वजन बन गया जी 250 टन। और हनुमान जी की मूर्ति 108 फुट की होना चाहिए था, इस जगह पर 108 फुट ऊंची मूर्ति बनाने की कोशिश किया था। इसके ऊपर जो भी डालते थे और वो चीज टिकता नहीं था, दोनों साइड दीवार खड़ी हो गई। जब ऊपर की छत डाल रहे थे, छत भी जब डालने का कोशिश किया गया तो छत भी नहीं टिकता था, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने बचपन में सूर्य भगवान को लाल फल समझ के खा लिए थे, तभी से हनुमान जी महाराज खुली जगह में रहने के लिए प्रसन्न करते हैं। तो इसके ऊपर 125,000 राम राम भोजपत्र के अंदर लिख के लगाई गई है, तब जाके ये बड़ी मुश्किल से छत टिका है। और यहाँ पर हर मंगलवार को महावीर जी का शक्तिशाली हवन होती है, शाम के टाइम पे प्रोग्राम होता है, इसमें बड़े दूर दूर से कलाकार आते हैं। और इस मंदिर का विशेषता यह है, यहाँ आकर के हनुमान जी का पाठ करने से उनका, भक्तों का सभी कष्ट दूर हो जाता है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी ऐसी देव है, शनि देवता को भी हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट, शनि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और आजकल शादियों में बहुत बाधाएं आ रही है, दिक्कतें आ रही है, जो अक्सर क्या होता है, दिक्कतें आती है तो अक्सर उसमें मंगल ग्रह होता है और मंगल ग्रहों का यहाँ आके पूजा करवाने से उनका सभी कार्य पूरा होता है। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि पुर लाए, रघुपति कीनि बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिया भरति सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावन, अस कही श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक।
आप ये देखिए, यहाँ पर चंद्रमा देवता, शुक्र देवता, बुध देवता, मंगल देवता, सूर्य देवता, गुरु देवता, केतु देवता, शनि देवता, राहु देवता और अखंड ज्योति जो अखंड चली रहती है, जलती रहती है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है एशिया के सबसे बड़े हनुमान जी मंदिर का, जो एशिया में सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है, जो महाबली हनुमान जी के का बना हुआ है। हनुमान जी का बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर है। ये फिलौर में स्थित है, जो कि जिला जलंधर के बीच में आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरुस धारी, वरनौ रघुबर बिमल जसो, जो दायको फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूं मोह, हरहु कलेश बिखार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा।